नालंदा यूनिवर्सिटी एक नेट जीरो कैंपस है। वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें प्रावधान किया गया है। एजुकेशन लेने जो लोग आ रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छी रहे। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक नेट जीरो कैंपस है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट जितना हमारा कंजम्पशन ऑफ या जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल है वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल प्रोविजन किया गया है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब ये है कि जो बनाने में जो टेक्निक यूज हुई है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगी और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ पाए जाते हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके ये बिल्डिंग ऑपरेशनल होती है। तो ये तो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। दूसरा, इसमें सोलर प्रोविज़न है कि सोलर पैनल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो बाहर से जो कोल से एनर्जी बनती है या दूसरे सोर्सेज से उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और सोलर एनर्जी तो एक नेचुरल रिसोर्स है तो वो है। तीसरा, वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं और वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली बनाए गए हैं, तो जितना रेन वाटर आता है वो सारा इसके अंडरग्राउंड जो एक्वीफर होते हैं सॉइल के उनको रिचार्ज करने के काम में आता है, तो वो एक है। इसके अलावा जहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन किया गया है वो ट्री प्लांटेशन भी ऐसा है कि जो गर्मी में भी वो पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं और सर्दी में भी कर सकते हैं, तो उस कैंपस को ऐसा बनाया गया है कि ट्रीज़ भी इंडिजिनस हैं, मतलब भारतीय पेड़ लगाए गए हैं जो उस परिस्थिति में वहाँ की जलवायु में फिट बैठते हैं। इसके बाद जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हम घरों में अब एलईडी बल्ब आजकल यूज़ कर रहे हैं, पहले हम नॉर्मल फिलामेंट बल्ब यूज़ करते थे, तो जिसमें कम से कम पावर लगे वो यूज करा गया है। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो और विंड मूवमेंट से ही वो ठंडा रहे, तो इसमें ज़्यादा एयर कंडीशनिंग या कूलिंग सिस्टम की एक्सटर्नल की ज़रूरत ना पड़े, और जो ज़रूरत भी पड़ रही है उसका जो कार्बन जनरेशन हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, उसको वापस हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं पेड़ों के लगा करके या कैसे करके। इसके बाद जो इसमें पानी यूज होता है, तो जो पानी यूज करने के बाद जो पानी वापस वेस्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको फिर रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल करके उसी को पौधों में देने के लिए, गार्डनिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वाटर रिसाइकिलिंग है। जो वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं या जो हमारा सलेज निकलता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, तो वो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो प्राकृतिक रूप से जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको मिट्टी के अंदर डाल करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही खाद पौधों में यूज हो रही है। तो इस तरह से कंपोस्टिंग मैकेनिज्म यूज की गई है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को यूज करा गया है कि बाद में वो जब वो डिग्रेड होगा तो वो किसी केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जो यहाँ पर बन रहा है उसको ये लोग सेल भी कर सकते हैं, उसे जैसे खाद बन गई तो खाद को आप बाहर सेल कर सकते हैं। और जो बायो कंजर्वेशन है, जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है कंजर्व करने के लिए, ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट हों, तितलियाँ अट्रैक्ट हों, तो वो पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है कि एक नेचुरल हैबिटेशन में कन्वर्ट हो जाए। और अंदर जो व्हीकल हैं उसमें डीजल और मतलब ऐसे व्हीकल्स को अलाउड नहीं कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जैसे अंदर जैसे हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी वाले पार्क हैं वहाँ पर उन कारों को चलाते हैं जो बैटरी से चलती हैं, तो वो बैटरी व्हीकल हैं। और साइकिल और पैदल चलने की खास सुविधा दी गई है, ज़्यादातर लोग साइकिल यूज़ करें, पैदल चलें, ताकि उनका सिस्टम रहे। और जो एजुकेशन भी है उसको सस्टेनेबल बनाया गया है, ताकि ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। एजुकेशन लेने जो लोग आ रहे हैं उनकी फ़िजिकल स्टेमिना बहुत अच्छी रहे, उस फिजिकल स्टेमिना को भी डेवलप करने के लिए, जैसे वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और थोड़ा रफ़ एंड टफ टेरेन है, प्लांटेशन है, गार्डन है, तो यहाँ ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ग्रीन बेल्ट हैं, ग्रीन प्रैक्टिसेस भी अपनाई गई हैं। ग्रीन प्रैक्टिसेस से मतलब मेरा मतलब यह है कि जो हम काम करने का तरीका है उसमें ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं हो, हम ह्यूमन फैक्टर्स को ज़्यादा लेकर के आए हैं। फिर जो दीवारें बनाई गई हैं उन दीवारों में भी ऐसी मिट्टी या ऐसी ब्रिक यूज़ की गई है जो थर्मल इंसुलेशन का काम करती है, जो रूफिंग है उसमें छत में भी थर्मल इंसुलेशन है, वो अपने आप हीट नहीं होगी, ज़्यादा हीट नहीं होगी, और इन सारी प्रोविजंस की वजह से ये नेट जीरो कॉन्सेप्ट आया है।